स्टार्ट करो। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो बच्चा, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ पुस्तक में पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 3 को प्रारंभ करेंगे। देखिए बच्चा, पहले तो मैं आप सभी को करवाऊंगा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को यदि आप सभी ने समझ लिया तो जितने भी प्रश्न वाली 3.1, प्रश्नवली 3.2, सभी प्रश्नवली आप यकीन मानिए आप खुद से हल कर पाओगे। सिर्फ क्या करना है आप सभी को, पहले तो आप सभी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जितनी चीज़ें मैं समझाऊंगा आप सभी को कॉपी पर नोट डाउन करते जाना है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ क्या होता है? आपसे पूछे कि निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ समझाइए। तो निर्देशांक ज्यामिति में किसी एक बिंदु की दशा बतानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु खींचा और यहाँ पे एक यह कागज है, ठीक है? तो निर्देशांक ज्यामिति में बताना होता है कि इस बिंदु की स्थिति कहाँ है, अर्थात मैंने यह बिंदु जो खींचा उस बिंदु की स्थिति इस कागज पर आप कैसे दर्शाओगे कि आप एक तो हम कर सकते हैं कि इसकी ये जो ये है छोट बड़ा और ये है छोटा कोर, ठीक है? ये चौड़ाई है और ये लंबाई। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बड़े कोर से दूरी यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर और इसके जो छोटा कोर है उससे दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को बतलाना कि वह बिंदु उस कागज पे, उस बोर्ड पे, उस कॉपी पे कहाँ स्थित है, उसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में गणित वह किस प्रकार हल किया जाता है? देखिए, उसके लिए दो रेखाओं का सहारा लिया जाता है, ठीक है? देखिए, एक तो होती है रेखा ऊर्ध्वाधर, जो खड़ी होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यह तो है ऊर्ध्वाधर रेखा और एक होती है पड़ी रेखा। यह है खड़ी रेखा, उसे बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, और यह है पड़ी रेखा, इसको बोला जाता है बच्चा क्षैतिज। नोट कर रहे हो आप सभी? वेरी गुड। तो यह बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा, अर्थात इन जो रेखा पड़ी होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज और ये रेखा खड़ी होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। अब इस रेखा को नाम दिया जाता है एक्स और यहाँ एक्स, तो इसे नाम दिया जाता है एक्स अक्ष। क्या नाम दिया जाता है बच्चा, बोलिए मेरे साथ, एक्स अक्ष, ठीक है? और जो रेखा खड़ी रहती है उसको बोला जाता है वाई अक्ष, ठीक? इसे बोला जाता है वाई अक्ष की रेखा और इसे एक्स अक्ष की रेखा। अब जब इसे इन रेखाओं को हम गणित में दर्शाते हैं किसी एक तल पर तो उसे बोला जाता है कार्तीय तल। क्या बोला जाता है बच्चा? कार्तीय तल। देखिए, इसे बोला जाता है कार्तीय तल, अर्थात जब इन रेखाओं को हम किसी तल पर दर्शाते, किसी समतल पर दर्शाते, तो उसको बोला जाता है कार्तीय तल। जो खड़ी रेखा उसको बोला जाता है वाई अक्ष, जो पड़ी रेखा उसको बोला जाता है एक्स अक्ष। अब जब इन रेखाओं को हम मेल करते हैं, अर्थात यह हमारी हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा और इन रेखा के ऊपर बना दीजिए क्षैतिज रेखा, यह रेखा वाई अक्ष है और यह रेखा एक्स अक्ष है। यदि देखिए, यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, मूल बिंदु। अब देखिए, मूल बिंदु यहाँ पे है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष आप सभी को मालूम है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इधर के निशान होता है उसको बोलते हैं धनात्मक। यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, धनात्मक ही संख्या है, 1 2 3 4 5। इधर होता है ऋणात्मक तो इधर बोलते हैं ऋणात्मक, -1 -2 -3। इधर भी होता है ऋणात्मक तो -1 -2 -3। इधर भी होता है धनात्मक तो 1 2 3 4, यह आ गया। अब देखिए, अब जब हमने दो रेखाओं को मिला, यहाँ पे कुल कितने भाग बन रहे हैं यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो गिनिए। यहाँ पे एक भाग ये बना, दो भाग ये बना, ये तीसरा भाग बना हमारा और यह हमारा चौथा भाग बना। अर्थात यदि हम दो एक क्षैतिज रेखाओं और एक ऊर्ध्वाधर रेखाओं दोनों का मेल करें तो ये रेखाएं चार भाग को दर्शाती है, अर्थात एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग। और प्रत्येक भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है बताइए? चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश,
इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ये चार चतुर्थांश है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हमारा आ गया गणितीय रूप में। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को बोला जाए कि इस बिंदु की स्थिति दर्शाइए कि यह बिंदु कहाँ पे स्थित है। तो इस बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग क्षैतिज रेखाएं एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वाई का सहारा लेते हैं। तो इसमें से यदि हम लोग वाई से मिलाएं यहाँ पे और यहाँ से एक्स को मिलाएं, तो एक्स के यदि बोले कि एक्स रेखा यानी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं की दृष्टि से यह कहाँ है, तो यह तीन पे स्थित है, तीन स्थान पे स्थित है, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के स्थान पर दो, यानी तीन क्षैतिज रेखाओं में हम लोग तीन तक जाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं दो तक जाएं तो हमारा यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यही होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आता है वो हमेशा प्लस और प्लस का होता है। यहाँ पे आता है तो इधर इधर प्लस और यहाँ पे आ गया माइनस, तो प्लस और माइनस का, यहाँ तो माइनस, यहाँ भी और यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे आता है माइनस और एक बार प्लस। यह था निर्देशांक ज्यामिति। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 को, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस चीज़ों को प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से यह चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। दे रखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। पूछ रखा है कि एक अध्ययन मेज है, इसे मिटा देता हूँ, प्रश्न संख्या एक, कि एक अध्ययन मेज है और वहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, या हमारा अध्ययन मेज है, स्टडी टेबल है, और यहाँ पे मान लीजिए यह लैंप रखा हुआ है। अब आपके दोस्त ने पूछा कि यह लैंप कहाँ स्थित है, अर्थात यह लैंप टेबल के कहाँ पे स्थित है। तो एक तो आप बोल सकते हो मुझसे कि यह टेबल बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में स्थित है, या फिर यहाँ पे स्थित हो सकता है, तो यहाँ पे, तो उसको आप एक्यूरेट कहाँ बताओ कि कहाँ स्थित है। तो देखिए एक तो आप कह सकते हो कि जो यह छोटा कोर है, यह चौड़ाई है और यह लंबाई है, छोटा कोर है उससे आप चले जाओ ऊपर तो आपको वह टेबल प्राप्त हो जाएगा, और दूसरे आप करो जो लंबा कोर है बड़ा कोर उससे आप इधर चले जाओ तो आपको वह लैंप प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे कुछ भी लंबाई हो सकती है, यहाँ पे मैंने माना 10 सेंटीमीटर, आप छोटे कोर से चला जाओ, और या तो आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर बड़े कोर से चले जाओ तो आपको वह टेबल लैंप प्राप्त हो जाएगी। अब इस चीज़ को आप लोग शब्दों में लिख दीजिए, किस प्रकार लिखिएगा यहाँ से समझिए। लिखेंगे कि लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति बड़े कोर से कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, और छोटे कोर से 10 सेंटीमीटर, अर्थात स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हुआ, ये 10 से 10 और इधर से 15, 10 और यहाँ से हुआ 5, तो 10 या 5 मान सकते हो, या फिर पहले 5 या फिर 10 लिख सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे 5 या 10, या फिर लिख सकते हो 10 या फिर 5 ऐसे, या फिर आप लोग कुछ भी मान मान सकते हो, बच्चा 15 लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका टेबल कितना बड़ा है। तो यहाँ पे उस प्रकार लिख दीजिएगा और यहाँ से ये लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये था प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या दो पढ़िए। प्रश्न संख्या दो दे रखा है, एक नगर में दो मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, नगर के अन्य सभी सड़कें इसी इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों के एकल रेखाओं को निरूपित कीजिए। आपको मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस पर निर्भर इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है
और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात करते हैं कि कितनी क्रॉस सड़कों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस सड़कों को 3-4 माना जा सकता है। देखिए, अब हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 5 सड़कें हैं तो हमें जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं 5 खींचनी होगी और क्षैतिज रेखाएं 5 खींचनी होगी, जो मेन लाइन होता है। जैसे कि अब हम चलिए स्केल की सहायता से करते हैं, इसे मिटा देता हूँ। पहले बताइए, आप सभी को यहाँ तक समझ में आया? ठीक है बच्चा, चलिए हम देखते हैं स्केल की सहायता से। तो देखिए, सबसे पहले लाइन खींच लीजिए, एक्स अक्ष बना लीजिए, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। बताइए इसे दिखाई दे रहा है या फिर मार्कर सही कर दूँ? चलिए मार्कर सही कर देते हैं। इसमें मैं जो गैप हो वो ज़्यादा ले लेता हूँ, आप लोग को 1 सेंटीमीटर का ही गैप लेना है। ये हमारा हो गया वाई अक्ष और यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं बच्चा एक्स अक्ष। एडिटर साहब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न को हटा दिए, तो यह हमारा हो गया ईस्ट, यहाँ पे हो गया साउथ डायरेक्शन, यह हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 सड़कें हैं और ये 2 मुख्य सड़कें एक बिंदु पर मिल रही है, चौराहे इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा 5 अलग अलग सड़कें हैं जो क्षैतिज भी है और ऊर्ध्वाधर भी है। तो क्षैतिज हम लोग को 5 सड़कें खींचनी है और ऊर्ध्वाधर भी 5 सड़कें, जो गैप रहेगा 1 सेंटीमीटर का ही मार्क खींचना है। तो यहाँ से हम खींच लेते हैं, ये हमारा सड़क 4 और यहाँ से हमारा सड़क आ गया 5। जैसे जो माना है 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा बिंदु, यह हमारा मूल बिंदु 1, 2, 3 और 4, ये हमारा यहाँ 5, इसे हम खींच लेते हैं। अब देखिए, हमने लाइन को खींच लिया, अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे यह है सड़क 1, सड़क संख्या 2, सड़क संख्या 3, सड़क संख्या 4, सड़क संख्या 5, और फिर इधर से मान लेते हैं इसे मार्ग संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ से मान लिए। अब देखिए, कह रखा है पहला प्रश्न कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है। तो यहाँ से देखिए, 4 कहाँ पे हमारा, 1, 2, 3, 4, 4 यह है और दे रखा है कि ऊपर से 3 लेना है, तो 1, 2, 3 यहाँ से लेंगे। अब इस बिंदु पर हम आगे बढ़ते जाइए यहाँ पे, तो यहाँ से आया हमारा 4 और 3। ठीक है, यह हुआ प्रश्न पहला। दूसरा दे रखा है क्रॉस सड़कों को 3-4 मार सकता है, तो 3-4 पहले देखिए, 3, 1, 2, 3, 3 और इसी बिंदु पर ऊपर चले जाइए, तो यहाँ पे आएगा 3-4, तो यहाँ पे आएगा 3-4। अब देखिए, कह रखा है प्रश्न कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटें को मारा जा सकता है 4-3। तो देखिए, यहाँ तो एक ही मिल रहा है तो अद्वितीय होगा और यहाँ पे भी एक मिल रहा है तो एक, तो क्यों एक प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने क्षैतिज रेखाओं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की सहायता से इसे ज्ञात किया है, तो एक ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे ये अद्वितीय रूप से प्राप्त होंगी। ठीक, तो यह था प्रश्न वाली 3.1। बताइए आप सभी को इसमें किसी प्रकार का डाउट है? देखिए बच्चा, कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब मैं इस प्रश्न वाली को समझाऊंगा तो उसमें तो प्रश्न बताऊंगा, लेकिन इतना अच्छा से नहीं कि
चतुर्थांश क्या होता है, किस प्रकार हम लोग करते हैं, नहीं उसमें मैं सीधा प्रश्न को करवाऊंगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आपको नहीं समझना है कि चतुर्थांश क्या होता है। यहाँ पे प्लस प्लस क्यों लिखते हैं, जो पड़ी रेखा उसको एक्स बोलते हैं, खड़ी रेखा को वाई बोलते हैं। आप सभी के ये चीज़ें दिमाग में होंगी। और जब आप 10th में जाओगे इसी, तो 10th आप सभी को क्या होगा, इस प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा या इजी लेवल लगेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रश्न वाले 3-10 को 2 में। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।